हेलो क्रिकेटिंग वर्ल्ड, आपका स्वागत है कौ सुपर क्रिकेट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले 5S ऑफ बैटिंग। सो ले स्टार्ट। 5S में पहला एस आता है आपका स्टांस। तो स्टांस देखा जाए तो सब कोचेस सिखाते हैं कि शोल्डर विथ अपार्ट स्टांस रहना चाहिए। ओके, शोल्डर के लाइन में आपका पैर, अगर आपका स्टांस ऐसा रहेगा ठीक है तो आपका बैक स्ट्रांग है, आपको मोबिलिटी नहीं रहेगी। मोबिलिटी मतलब आपका फुट मूवमेंट जो रहेगा वो कम रहेगा। ओके, आपके पास स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी पर मोबिलिटी नहीं रहेगी। अगर आपका स्टांस ऐसा है पास में ठीक है, इसमें आपको मोबिलिटी मिलेगी ठीक है, बैक फुट और फ्रंट फुट में जा सकते हो आप। मोस्टली पुराने जो क्रिकेटर्स थे उनका स्टांस ऐसा होता था, पर आप अगर देखोगे उनके बैटिंग तो उनके बैटिंग में बैलेंस नहीं था, बहुत सारे बैट्समैन का पैर अक्रॉस जाता था। तो इसीलिए आपको शोल्डर विथ अपार्ट रखना है। ओके, तो सेकेंड एस आता है सेटअप। सेटअप मतलब क्या? सेटअप मतलब जब बॉलर बॉल डालने आता है, जब जम लेता है और जब रिलीज करता है, उसके पहले का जो भी आप करते हो उसे सेटअप बोलते हैं कि हम बॉल खेलने के लिए रेडी है। जैसे बॉल डाला है हम खेलने के लिए रेडी है, तो इसे सेटअप कहा जाता है। तो सेटअप में क्या क्या आता है? आपका ग्रिप और बैकलिफ्ट आता है। ओके, तो ग्रिप क्या है? ट्रेडिशनल इंडियन वे है जिसमें बैट नीचे रखना है और दोनों हाथ से आपको उठाना है, दोनों हाथ हैंडल के बीच में एक दूसरे को टच करते हुए। ओके, ये ट्रेडिशनल वे है, पर आप मैच में हर एक बॉल नहीं कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे बहुत सारे प्लेयर्स वी अपॉन वी रखते हैं, आपका जो स्प्लाइस ऑफ द बैट है आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो स्प्लाइस ऑफ द बैट है, अगर आप राइट हैंड बैट्समैन हो तो ये जो वी है, ओके, ये जो वी है इसका जो पार्ट है ये कॉर्नर ऑफ द हैंडल से आना चाहिए, यहाँ से। ओके, ये इसे ऊपर लेके जाना है। ओके, अगेन बॉटम हैंड भी वही जगह से, यहाँ से। ये ट्रेडिशनल अपना इंडियन वे है, इंडियन वे। अब यहाँ से भी देख सकते हो, ये देखो ये बीच में आ गया, ये थोड़ा बाहर आ गया, ये ट्रेडिशनल वे है हमारा इंडियन। ओके, और ऑस्ट्रेलियन में क्या रहता है, ये सेम हैंड ये बीच में आ जाता है, ये जो स्प्लाइस ऑफ द बैट है वहाँ पर आ जाता है। और टॉप हैंड जो है, ये जो टॉप हैंड है, ओके, ये जो टॉप हैंड है वो और बाहर चला जाता है ठीक है। बॉटम हैंड सीधा आ जाता है और टॉप हैंड बाहर चला जाता है। ओके, तो ये दो ग्रिप आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। पर ट्राई करना आपका दोनों हाथ जॉइंट रहे हैंडल के बीच में। अगर आप नीचे पकड़ते हो दोनों हाथ जॉइंट रहेगा तो आप स्क्वेयर कट और पुल शॉट अच्छे खेल सकते हो, स्वीप अच्छे खेल सकते हो। पर आपको जब फ्रंट फुट ड्राइव मारने जाओगे तो आप बॉटम हैंड ज़्यादा यूज़ करोगे और आपका बॉल ऊपर चला जाएगा। और आपको जब सिक्स मारना रहता है तभी फ्लो चाहिए रहता है, तो वो फ्लो भी नहीं आएगा आपको ठीक है। जब आप ऊपर पकड़ते हो तो आपको फ्लो अच्छा मिलता है, पर देर इज़ नो कंट्रोल, आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर पकड़ते हो आपका बैट हेवी हो जाता है ठीक है, आप जब नीचे पकड़ते हो तो हल्का हो जाता है। ओके, जब आप ऊपर पकड़ते हो तो आपका कंट्रोल चला जाता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल शॉट खेलोगे, पुल शॉट, स्क्वेयर कट खेलोगे तो कंट्रोल नहीं रहेगा। इवन आप सिक्स मारने जाओगे तो वो टाइम में अगर लगा तो बहुत लंबा जा सकता है, पर अगर ठीक से नहीं लगा तो आपका बैट घूम जाएगा और आप आउट हो सकते हो ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, इसलिए हमें हॉरिजॉन्टल शॉट्स भी खेलने, हमें सीधे वर्टिकल शॉट्स भी खेलने ठीक है। तो उसके लिए आपको बीच में पकड़ना ज़रूरी है, दोनों हाथ क्लोज टू इच इधर। और जो ट्रेडिशनल वे है कि टॉप हैंड आपको टाइट पकड़ना है और बॉटम हैंड लूज पकड़ना है, तो देखिए सबकी कोचिंग अलग अलग रहती है, पर जो अभी का कोचिंग चालू है उसमें आपको दोनों हाथ फर्म पकड़ने हैं, ना ही टाइट पकड़ना है ना ही लूज पकड़ना है। ओके, आपको दोनों हाथ जो है आपको फर्म पकड़ने हैं ठीक है। अगर आप टाइट पकड़ोगे तो आप हर बार ऐसे ही खेलोगे, ये बैट का पाथ ऐसा आएगा। ओके, अगर आप बॉटम हैंड से लूज पकड़ते हो तो क्या होता है, बहुत बार मैं सिर्फ दो उंगली से पकड़ता था स्टार्टिंग में ठीक है,
पर मुझे पावर नहीं मिलता था, पावर नहीं मिलता तो मैं क्या करता था, फिर बॉटम हैंड यूज़ करने लगता। बॉटम हैंड यूज़ किया तो अपने आप आपका हाथ ऐसे चलने जाता है, ना ही ऐसे चला जाता है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत अहम हैज़ टू बी फर्म, आपको दोनों हाथ फर्म रखना है, ओके, ठीक है। अगर आप फर्म रहेगा तो आपको फ्लो भी आता है, आपको पावर भी मिलेगा, ओके। अब आते हैं बैकलिफ्ट पे, तो बैकलिफ्ट कैसे लेना है। बैकलिफ्ट आपको आपको एल्बो से पुशबैक करना है और रिस्ट कॉक करना है, ओके। यहाँ से ये पोजीशन, ठीक है। आपको एल्बो से पुश आगे नहीं रखना है, ना ही पीछे। अगर पीछे लोगे तो आपका बैट अंदर जा सकता है, ओके। अगर मैं दोनों हाथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप दोनों हाथ बॉडी पे रखोगे तो आपको मालूम है कि आपका बैट का पोजीशन अच्छा है, आपकी बैकलिफ्ट की पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर आप अवे फ्रॉम द बॉडी खेलोगे, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी गए तो आपका बैट बाहर जाता है। ये मोस्टली कब होता है, जब आप बॉटम हैंड डोमिनेंट बैट्समैन हो। जो भी बॉटम हैंड डोमिनेंट बैट्समैन रहते हैं उनकी बैट बाहर से आती है, ओके। अगर आप बॉडी के पीछे लोगे, बॉडी के पीछे लोगे तो बैट अंदर जा सकती है। तो इसलिए आप सब इंटरनेशनल देखो, बहुत सारे बैट्समैन यहाँ पे ही रखते हैं बैट, ठीक है। जब बैकलिफ्ट लेते हैं तो ये पोजीशन रहती है उनकी, ओके। और आपका जो हेड है, आपका हेड हमेशा स्टील रहना चाहिए, ज़्यादा मूवमेंट नहीं, ओके। क्योंकि आपके जो आँख है वो कैमरा है, कैमरा ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको शोल्डर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रखना है स्टम्प लाइन के, ओके। जो अंपायर रहते हैं उसके थोड़ा सा अंपायर के राइट साइड में और अपने लेफ्ट साइड में होना चाहिए शोल्डर, ओके। जिससे आपका नेक, आपका जो फेस है वो सीधे सामने रहे, ओके। अगर ये शोल्डर सीधा रहेगा तो आपका नेक थोड़ा इधर हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा वो सेट करना है, ओके। और आपका जो नी है वो थोड़ा फ्लेक्स करना है, आपको थोड़ा सा बम को थोड़ा पुश बैक करना है, ठीक है। अगर क्या होगा, अगर आपका नी आगे जाएगा तो यहाँ पे बीच में बैट स्टक होने का चांस है। अगर मैं खेलने जाऊँगा यहाँ पे बैट अटक सकता है, ओके। तो अगर पुश बैक रहेगा तो आपका बैट बरोबर एक लाइन में जाएगा। तो थर्ड पॉइंट इज शोल्डर। जब बॉलर बॉल डालता है उस लाइन में, जहाँ पे भी बॉल रहता है, आपको वो लाइन में शोल्डर और आपका हेड लेके जाना है। अगर ऑफ टर्म के बाहर है तो आपको शोल्डर लेके जाना है वो लाइन में, ठीक है। अगर आप शोल्डर नहीं लेके जाओगे, अगर समझो ऑफ टर्म के बाहर है बॉल, आपका शोल्डर इधर ही है, ठीक है, शोल्डर एंड हेड इधर ही है, ठीक है। अगर वहाँ बॉल है तो आप खेलोगे कैसे, आप हेड लेके जाओगे तो ये आपका बैलेंस चला गया, ठीक है। अगेन शोल्डर नहीं चला गया तो आप टॉप हैंड यूज नहीं कर पाओगे, आपका शोल्डर ठीक है, आपका शोल्डर इधर है तो आप टॉप हैंड वहाँ लेके नहीं जा सकते हो, आपका बॉटम हैंड है, फिर आप बॉटम हैंड से खेलेंगे। तो बहुत सारे बैट्समैन देखो जब आउट होते स्लीव या फिर ऊपर से जब कवर्स पे आउट होते या पॉइंट पे आउट होते तो हमेशा ये शॉट खेलते इंस्टेड ऑफ प्लेइंग दिस, ओके। तो हमेशा आपको शोल्डर लेके जाना है, जहाँ पे ऑफ टर्म के बाहर, स्पेशली ऑफ टर्म के बाहर जो भी रहता है आपको शोल्डर लेके जाना है, ये पोजीशन रहना चाहिए और आपको इम्पैक्ट करना है, ठीक है। फोर्थ एस है स्टॉप, आपको स्टॉप कहाँ करना है, ठीक है। बहुत लोग ऑफ टर्म के बाहर रहेगा तो आप लेट स्टॉप कर सकते हो, पर अगर स्टम्प के पास रहेगा तो वो टाइम में आपका बैट पीछे नहीं रहना चाहिए, आपका बैट हल्का सा बैट देखो इधर से, आपको ये व्यू से अच्छे से दिखेगा। अगर मैं डिफेंस कर रहा हूँ, ये डिफेंस कर रहा हूँ तो मेरा बैट जस्ट आगे, टॉप हैंड तो आगे रहना ही चाहिए, ये एंगल रहना चाहिए और बैट मेरा जस्ट पैर के आगे, ठीक है, मेरा सर के नीचे चाहिए, इम्पैक्ट सर के नीचे, इम्पैक्ट सर के नीचे, ओके। बोलते हैं ना टॉप ऑफ द बॉल खेलना चाहिए, तो वही है, आपका हेड वो लाइन में रहना चाहिए, बैट जस्ट पैर के आगे रहना चाहिए, तो LBW के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको पैर पे लगने का चांस रहेगा तो इनसाइड एज लग सकता है, ठीक है। तो लास्ट है शॉट, शॉट कैसे मारना है, ठीक है। तो आपको एक की पॉइंट याद रखना है कि हमेशा आपको हाई एल्बो रखना है, ठीक है। जब आप समझो मैं अभी ऑफ ड्राइव मार रहा हूँ तो ऑफ ड्राइव में ये पोजिशन अगेन शोल्डर वो लाइन में लेके जाना है, आपको ये हाई एल्बो चाहिए, ये शॉट है। आपको अगर आप मेरा रिस्ट देखोगे इसमें, अगर ये पोजीशन देखो, ये मेरा रिस्ट कॉक है अभी, और जब मैं खेलता हूँ लास्ट मूवमेंट में अनकॉक हो जाता है,
देखो रिच देखो अनकॉक है, ओके अगेन अनकॉक कब करना है, जब आपका बॉल इंपैक्ट जब होता है, जब आपका बॉल इंपैक्ट होता है वो टाइम में आपको अनकॉक करना है। अनकॉक करने से आपका बैट स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि आप ऐसे भी खेल सकते हो, कॉक रिस्ट करोगे तो बैट आपका इधर ही रहेगा, ओके पर आप जब अनकॉक करते हो तो आपका बैट स्पीड देखो, बैट स्पीड मस्त जाता है। जब आप अनकॉक करते हो तो आपका बैट स्पीड यहाँ से देखो अनकॉक ये मूवमेंट में होना चाहिए, ये मूवमेंट में ये। अगर आप थोड़ा भी जल्दी खेल लो और थोड़ा भी अनकॉक जल्दी करोगे तो बॉल ऊपर चला जाएगा और आप आउट हो जाओगे। तो इसलिए आपका हेड हमेशा आगे रहना चाहिए, वेट ट्रांसफ़र होना चाहिए उसके लिए, ठीक है, और आपका बैट स्पीड इम्प्रूव हो जाएगा इससे। तो ये है शॉट। तो आज के ये 5S आप अगर करोगे तो आपके बैटिंग में बहुत फ़ायदा होगा। पहला चीज़ है स्टांस, सेकेंड है सेटअप, थर्ड है शोल्डर, फोर्थ है स्टॉप और फिफ्थ है शॉट। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।